गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल रेलवे पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज नंबर 110 लेके आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि पाँच जनवरी 2021 शिफ्ट दो के पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब हम लोग वन बाई वन करके सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीपीय का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। और मालाबार तट जो है वो केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट के समानांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी है, और नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति निवास करती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GSLV MK 3 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पे। भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार खाली स्थान की व्यवस्था दी थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम के एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। इस एक्ट के तहत राज्यों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई। इसी एक्ट के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत के प्रशासन से अलग कर दिया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां का समावेश था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त निरीक्षण इकाई जो है वो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है। संयुक्त निरीक्षण इकाई एक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित इकाई है। इसकी स्थापना 1976 को हुई थी। संयुक्त निरीक्षण इकाई संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र स्वतंत्र बाहरी निरीक्षण निकाय है, जो संपूर्ण सिस्टम के मूल्यांकन, निरीक्षण और जांच से संबंध है। इसका कार्य संयुक्त राष्ट्र तंत्र के विभिन्न संगठनों में समन्वय स्थापित करना है। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराज कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी व महानतम शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर छः की तरफ। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है। अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। यह राजस्थान के पूर्वोत्तर क्षेत्र से दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक फैली है। और भारत की जो भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जो माउंट आबू से संबंध है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सात की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाई जाती है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम है मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को और विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ। भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। यह संगठन लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें वर्ष 1987 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंटागोनिया शीत मरुस्थल है।
पेंटागोनिया रेगिस्तान विश्व का पांचवा बड़ा रेगिस्तान होने के साथ ही अमेरिका का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दक्षिणी अर्जेंटीना के पेंटागोनिया क्षेत्र के पश्चिम में इसकी सीमा एंडीज पर्वतमाला से और पूर्वी सीमा अटलांटिक महासागर से लगी हुई है। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवी मरुस्थल है। और अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का नारा था। इंदिरा गांधी वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 कार्यकाल के लिए भारत की प्रधानमंत्री रहीं और उसके बाद चौथे कार्यकाल में 1980 से लेकर 1984 तक प्रधानमंत्री रही थी। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। इस नारे का प्रयोग पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। पोंगल पक्षी गणना तमिलनाडु राज्य की पहल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। GST के तहत वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। GST में 3 प्रकार के टैक्स होते हैं CGST, SGST और IGST। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह धारापुरी द्वीप में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं बम्बई से 7 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित इस छोटे से द्वीप का प्राचीन नाम धारापुरी था। पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा नाम दिया था। यहाँ की पहाड़ियों में निर्मित 5वीं-6वीं शताब्दी की 5 गुफाएं आज भी वहाँ की शान है। और माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत सरकार ने हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत में खालिस्तान और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंक की है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्थान नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी कहा था। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध के रियासत के बारे में कहा था यह गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1974 में रेलवे हड़ताल का जो नेतृत्व है वो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। 8 मई 1974 को देश में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल हड़ताल आरंभ हुई और श्री जॉर्ज फर्नांडिस उस समय सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तथा रेलवे मजदूरों के संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के भी अध्यक्ष थे। यह हड़ताल लगभग 20 दिन तक चला था। हड़ताल के मुख्य मुद्दे थे रेल कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस। इस समय भारत के रेल मंत्री ललिता नारायण मिश्र थे। अब आते हैं और 1979 में चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार ने रेल मजदूरों के बोनस के सिद्धांत को स्वीकार किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहली रेल यात्री ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। इसमें कुल 14 डिब्बे थे। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लंदन के पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज परजम ने किया और प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया थे और एनी बेसेंट तथा मदन मोहन मालवीय भी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में कांग्रेस के किसी प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तक। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप असम के जोरहाट जिले के अंतर्गत आता है। असम की राजधानी दिसपुर से माजुली द्वीप लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में है। और 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया। यहाँ देवरी, सोनेवाल, कछारी आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम खालिस्तान वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। ठीक है, प्राचीन कहलाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है। इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक इंडिया का विलय किया गया है। विलय के बाद वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 रह गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब इसके पास 68 सदस्य देश हैं और फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है। क्वेश्चन नंबर 23 ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इस धारणा से लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। ऊंट कैमुलस वंश के अंतर्गत आने वाला एक खुरधारी जीव है। यह स्तनधारी वर्ग का जीव है। ऊंट रेतीले तपते मैदानों में कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। रेगिस्तान का भारत में सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में है। मरु उत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 तरफ। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी के कृष्ण मेनन। वी के कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री ने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिया था। वी के कृष्ण मेनन इस समय भारत के रक्षा मंत्री थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। और वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। प्रसिद्ध संघाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। प्रसिद्ध संघाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। इस प्रकार हमारा आज का टेस्ट सीरीज नंबर 110 का 25 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु पे प्रकाश डालेंगे। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टानों में। गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं कोयला के लिए। धारवाड़ा क्रम के चट्टानें प्रसिद्ध हैं धात्विक खनिजों के लिए। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ क्रिटेशियस काल में और पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग आया प्लिस्टोसीन काल में। गुंज मिंडेल रिस बुर्म अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भू सन्नति टेथिस सागर है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है जल निक्षेपों द्वारा और देश की वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई प्लिस्टोसीन युग में। अब हम यहाँ पे कुछ सर्वोच्च शिखर, उनके क्षेत्र और अवस्थिति देखेंगे। तो हिमाचल माउंट एवरेस्ट कहाँ है? हिमाचल में है, यह अवस्थित है नेपाल और नेपाल तिब्बत में अवस्थित है। और माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च शिखर है जो कि नेपाल और तिब्बत में अवस्थित है। और भारत में
कौन सा है, गॉडिन ऑस्टिन है, जो कि केटू के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है और यह पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में है। और फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है भारत में, भारत स्थित हिमालय कंचनजंगा है, जो कि 8598 मीटर है, जो कि सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 8848.86 मीटर है, यह अवस्थित है नेपाल तिब्बत सीमा पर। अब आते हैं भारत के प्रमुख राज्यों और उसके उत्सव। त्रिपुरा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, खर्ची पूजा या लाई आहा हरा उवा। चापचार कूट कहाँ पे, मिजोरम में मनाया जाता है। हार्नबिल और मुआत्सु कहाँ पे, नागालैंड में। अम्बुबाची मेला और बिहू कहाँ पे, असम में। बसंत उत्सव पश्चिम बंगाल में। ओणम केरल में। उगादी कर्नाटक में। पोंगल तमिलनाडु में। और नुआखाई उड़ीसा में। इस प्रकार हमारा आज का स्टैटिक जीके का सीरीज नंबर 110 यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।